हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में आज आप देखेंगे द 100 ड्रेसेस, उसका पहला भाग है। इंग्लिश की किताब लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10th की बुक है। इसे आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। एक कहानी है उस लड़की के बारे में जो पोलैंड यूरोपियन कंट्री से आए हुए थे, अमेरिका में बसे थे। उसकी स्टोरी है पेट्रॉन्स के, वांडा पेट्रॉन्स ने थे। तो इसे विस्तार से समझने के लिए बिना स्किप करें इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिए। तो इसे आप देखें और कोई डाउट्स, कोई प्रश्न हो आप। हाय, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक की चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी शुरू से अंत तक अवश्य इसे देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, पर मैं बहुत आसानी के साथ समझाने का प्रयास किया हूँ। जब आप कहीं समझ में कठिन होता है समझने में, आप अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, पहला भाग है, एल वेसर एस्टर के द्वारा लिखी गई है ये किताब। इस चैप्टर में हम इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बिफोर यू रीड, हाउ डू यू जज द पीपल अराउंड अस, हमारे आमने सामने जो रहते हैं, हमारे चारों ओर जो लोग रहते हैं, उसे हम किस तरह जज करते हैं। जजिंग नेचर होता है ना, लोगों को न्याय करना, किसी भी चीज़ वो इस तरह है या उसका पैसे से संबंधित, उसका पौधे से संबंधित, कहाँ से आया, वो ऐसा खराब है, इस तरह कई बातें हम लोग कहते हैं और जज करते हैं। बाय देयर मनी वेल्थ, उनके पैसे के जरिए, उनके धन जो है, उनका पोजिशन जो है, संपत्ति जो है, इस पर हम लोग जज करते हैं। इधर समथिंग ऑफ मोर एंजोरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन, और उसके अलावा कोई ऐसा वैल्यू चीज है, हम खाली उनके पैसे, उनके धन संपत्ति, कितना बड़े महलों में रहते हैं, ये सारे को देखते, क्या उसके सिवा और कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को हम पहचान सकें या जज कर सकें। कई बार हम उनके महल, किस प्रकार का घर पर रहते, बंगले में रहते, गाड़ी, धन दौलत को देखते हैं और उस तरह हम लोग सोच बना लेते हैं कि हम, जजिंग नेचर हमारे अंदर आता है जो हम लोग की उस तरह फैसला सुना देते हैं या सोच लेते हैं। तो उसके सिवाय कुछ और दूसरा कुछ है जो एक व्यक्ति के अंदर हम देख सकते हैं उसके सिवाय। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। एक कहानी भी उसी तरह एक बहुत सेंसिटिव है। एक लड़की अपने क्लासमेट के द्वारा जज की जाती है या उनके द्वारा, जो उन लोग कहते हैं, जो उन लोग समझते हैं, उसी तरह ये मानती है। उसका नाम है वांडा पैटर्न्स के, इज ए यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विथ अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन अमेरिका टाउन, अमेरिकन टाउन, जो कि पोलिश गर्ल जो है, पोलिश गर्ल मतलब पोलैंड से आए हुए हैं इन लोग, पोलैंड से, जो यूरोप कंट्री से, पोलैंड से आए हुए हैं और अमेरिकन स्टूडेंट के साथ मिलके अमेरिकन टाउन स्कूल में जा रहे हैं। दिस अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज ए डिफरेंट इन मैनी वेज, पर दूसरे बच्चे क्या है, इस वांडा जो है पैटर्न्स की, उसका नाम वांडा पैटर्न्स की पूरा नाम है, उसे बहुत अलग तरीका से, माने अलग वे में उसे देखते हैं, क्योंकि दूसरी जगह से आई है पोलैंड से और अमेरिकन में आकर बसे हैं, वहीं पर स्कूल कर रहे, तो बहुत अलग जैसा। कई बार हम लोग भी देखते हैं दूसरे जगह के
जैसे बाकी प्रदेशों में नेपाल से या कहीं दूसरे जगह से आते तो हम लोग अजीब उन्हें फील करते, मन फील करने देते भी हैं और हम लोग सोचते हैं किस तरह दिख रहे हैं इस तरह का, तो इसे अजीब तरह सा इसे फील करवाने के लिए या इसे महसूस करने के लिए देते थे उन लोग। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप सोच सकते किस तरह उसके साथ ट्रीट करते होंगे? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। और जो पोलिश कम्युनिटीज है, वांडा पैटर्न्स की जो कम्युनिटी से आती है, मानो जिस समूह से आती है, उसके बारे में कुछ इसमें दिया गया है। पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट, इसमें सारी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट पोलिश माइग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608 इमिग्रेंट, जो इमिग्रेंट थे वहाँ के बसे हुए थे, कहाँ अमेरिका में, कहाँ से ऐसे पोलैंड से, पोलिश जो लोग वहाँ के बसिंदा को पोलिश कहा जाता है। द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेंशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन मोर देन 1 मिलियन ऑफ पोल जो पोलैंड से आए हुए हैं, पोल कहा जाता है, माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। और बहुत सारे लोग क्या है उस देश से, पोलैंड से यूनाइटेड स्टेट को आकर के बसे थे। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, लेकिन इन लोग जो है पहले इन लोग यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं थे उस समय में। एंड द इमाइग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रेदर देन टू द एथनिसिटी, दे वेर आइडेंटिफाइड रशियन पोल्स। जैसे कि कोई भी आके बसता है अमेरिका में, इस तरह उन लोग आइडेंटिफाई, उनको इस तरह बुलाया जाता था। सपोज रशियन में है तो रशियन पोल, जर्मन में तो जर्मन पोल, हस्ट्रियन में तो हस्ट्रियन पोल्स, सो अमेरिकन पोल्स, अमेरिका में जो बैठे हुए हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन चिकागो एंड इट्स सबर्ब, सो चिकागो इज समटाइम कॉल द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश। और बहुत ही चिकागो को भी इस तरह मानते हैं, बहुत ही लोग वहाँ बसे हुए हैं, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी पोलिश ये समूह के लिए इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलिश अमेरिकन वेयर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेयर द इरिश इटालियन एंड ज्यूज, जैसे कि इरिश इटालियंस ज्यूस लोगों को नफरत के नज़रों में देखा जाता था, उसी तरह पोलिश जो पोलैंड से जो आए हुए इन्हें भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब भेदभाव होता था उनके साथ। सो यूनाइटेड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस 667,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, which is about 1.5% of the people who speak language other than English, or 0.25% of the US population. इसकी जो संख्या बताया गया है, ये इमिग्रेंट्स हैं, कहाँ से आए हुए हैं, पोलिश जो समूह है अमेरिका में बसे हुए, पोलैंड से, यूरोपियन कंट्री से आए हुए हैं। इस तरह इनकी स्टोरी है जो वांडा पैटर्न्स की, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, जहाँ से उन लोग आए हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ें। नाउ विल स्टार्ट टुडे, मंडे, आज मंडे है, संडे के बाद मंडे के दिन स्कूल आते हैं बच्चे, तो मंडे वांडा पैटर्न्स की वाज नॉट इन हर सीट, मंडे के दिन पैटर्न्स जो वांडा है अपने सीट पर नहीं थी। But nobody, not even Peggy and Madeline. The girls who started all the fun noticed her absence. और जो लड़की लोग Peggy and Madeline जो है बहुत ही दोस्त हैं,
और इन लोग हमेशा उसे मजाक करते थे उसके ऊपर। उन लोग भी उसे नोटिस नहीं किए जो वो एब्सेंट है अभी। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम, और लास्ट रो का नेक्स्ट सीट में वो बैठती है, तो वो 13 नंबर पे। जो रोस होते हैं बैठने के लिए जगह जो बनाया गया है, रोस डिफरेंट रोस है ऐसा, उस लास्ट सीट इन द लास्ट रो, लास्ट सीट का लास्ट रो में 13 नंबर पे वो बैठती, रूम 13 में बैठती है। जो कमरे होते हैं अलग अलग रूम होते हैं, 13 नंबर पे बैठ रही। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और वो कहाँ बैठती थी, उस कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज मतलब जो कि शोर मचाते हैं, हमेशा पढ़ते लिखते नहीं हैं। आपकी क्लास में भी ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कोने में जाकर बैठ जाते हैं, पीछे बैठना पसंद करते हैं और हमेशा शोर मचाते हैं, और उन लोग अच्छे नंबर भी लाते नहीं हैं। उन लोग वहाँ बैठे हुए थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देर वॉज मोस्ट स्कपलिंग ऑफ फिट मस्ट रोअर अप लैफ्टर वेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मस्ट मड एंड डट ऑन द फ्लोर। और जो कॉर्नर ऑफ द रूम, जो ऐसी जगह पर जहाँ पर नोटी बॉयज लोग बैठते हैं, रफ बॉयज लोग बैठते हैं, वो जगह कैसा है, स्कपलिंग, स्कपलिंग मतलब नॉइजी है, शोर हमेशा आते रहते, कुछ ना कुछ वहाँ से नॉइजी आवाज़ होता है। इसमें लिखा है ड्रगिंग मूवमेंट्स, किस प्रकार मूवमेंट होते रहता है, स्कपलिंग और फिट पाँव को ऐसे दबा दबाना, ऐसे आवाज़ हमेशा निकालते रहते उस कॉर्नर प्लेस में। और मोस्ट ऑफ रोअर्स अप लाफ्टर, और हंसने का आवाज़, कुछ शोर जैसे आवाज़ आता था, जैसे कि कुछ फनी हो गया, माने कुछ मजाक हो रहा है। और मस्ट ऑफ द मड एंड डर्टी ऑन द फ्लोर, और उसी जगह पे कीचड़ या थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर नोटी बॉयस या रफ बॉयस बैठते हैं उस जगह पे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वो दूसरे की तरह रफ माने शोर मचाने वाले और गंदे बच्चे इस तरह नहीं, उन नॉइस नहीं करती है, इसलिए नहीं बैठती कि उन लोग इस तरह का स्वभाव था इसका, इसलिए नहीं बैठी। ऑन द कॉन्ट्रारी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, लेकिन अब देखेंगे हालांकि वहाँ भले बैठ रही हो लड़की, पर वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, वो बहुत कम ही बोलती थी वो, एंड नोबडी हैड एवर हैड हर लव आउट लाउड, और कोई भी उसका हंसने की आवाज़ माने ऊंचे आवाज से नहीं सुने हंसने का। समटाइम्स शी ट्विस्ट हर माउथ इनटू ए क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल, बट किस कारण अपने मुंह को थोड़ा टेढ़ा करके थोड़ा सा स्माइल कर देती थी, वही है बस उसके लिए, उतना ही वो हंसती थी, उतना ही मुंह खोलती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन द सीट इन दैट सीट, और लोग भी नहीं जानते थे, मतलब बच्चे दूसरे बच्चे नहीं जानते थे क्यों जाकर वहाँ बांडा बैठती है उस कॉर्नर में जहाँ शरारती बच्चे बैठते हैं, जहाँ शोर होता है, जहाँ हर कोई लोग आकर गंदगी फैला देते हैं, ऐसी जगह पे क्यों बैठते हैं। अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट्स, वो कहाँ से आती है, बोगिन हाइट्स, एंड हर फिट वेयर यूजुअली कैक्ट विद ड्राई मड, क्यों बैठती है, उसका कारण क्या है, Why Wanda sit there? Because she's coming from through long way from Bogin Heights. While coming, she's coming through mud, caked. इस तरह का विद ड्राई मड, उसे पैर में पूरा मड लगा हुआ, कीचड़ लगा हुआ करता था, इसी वजह से उस जगह पे कोने में जाकर बैठना चाहती थी कि उसका पैर गंदा था। ये नहीं कि वो दूसरे की तरह शोर मचाती थी या दूसरे की तरह लड़की में से थी, नहीं, वो बहुत ही भिन्न स्वभाव की थी, पर उसका पैर इतना दूर से आते, कहाँ से, बोगिन हाइट्स, उसके घर कहाँ था, बोगिन हाइट्स में, वहाँ से आते समय उसके पैर में मड लगा हुआ करते थे, इसी वजह से वो कोने में बैठते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पैटर्न्स की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और जब कोई नहीं समझ पाते थे क्यों, जब वो कॉर्नर में बैठती थी तो कोई नहीं समझ पाते इस चीज़ को क्यों वो कॉर्नर में बैठती है। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज outside of school hour at noon time when
they were coming back to school or in the morning early before school began. और जब समय होता था, समय जो बांडा जब आती थी स्कूल आउटसाइड द स्कूल, जब बच्चे सब खड़े रहते थे एट नून टाइम व्हेन दे आर कमिंग बैक टू स्कूल, जब उन लोग स्कूल आते हैं उस समय बाहर कुछ बच्चे प्रेयर होने से पहले खड़े रहते हैं, क्लास लगने से पहले बच्चे सब खड़े रहते हैं, इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, ये सब होता है. व्हेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल या बे टू द स्कूल यार्ड, और उन लोग क्या ना एक दो दो बच्चे या तीन चार ऐसे कई बच्चे मिल करके इस तरह बातें करके हंसते थे उसके बारे में स्कूल यार्ड में. स्कूल यार्ड जो आंगन की तरह होता है, बाहर जो रहता है. देन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, और कई बार उस वांडा के लिए इंतजार करते थे कि उसके साथ मजाक करने के लिए फन. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, मंडे वाज ओवर, नाउ अनदर डे इज ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल एदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. आज भी क्या है, वांडा स्कूल आई नहीं है, ट्यूसडे में भी वांडा स्कूल नहीं आई है और उसका एब्सेंट को कोई नोटिस नहीं किए और नहीं आई करके. बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विथ देयर अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स, उसके दूसरे दिन में हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स. ट्यूजडे के बाद दूसरे दिन में क्या हुआ, पेगी एंड मैडी किसके साथ बैठ गए, जो बच्चे अच्छे नंबर लाते थे उनके साथ, फ्रंट ऑफ विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट मड डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर. और उन लोग देखे कि जहाँ पर मड, जहाँ ऐसी कॉर्नर प्लेस में वहाँ लोग नोटिस किए वहाँ पर कौन नहीं बैठे, वांडा नहीं बैठी है. डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर, और उन लोग देख रहे हैं क्या आप लोग नोटिस किए, पेगी को पूछती है कि क्या आप नोटिस किए वहाँ वांडा नहीं है. पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पेगी क्या है, पेगी एंड मैडी, पेगी एक पॉपुलर गर्ल थी, नंबर उसका अच्छा आता था और उसका स्वभाव भी बहुत फर्क था. शी वाज प्रेटी, शी वाज प्रेटी मतलब सुंदर लड़की थी. कौन, पेगी. शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सारे प्रेटी क्लोथ्स थी, एंड हर हेयर वाज क्रूडली. मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, एंड मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. पेगी के बारे में आप सभी याद रखिएगा, शी वॉज प्रिटी गर्ल, शी हैड प्रिटी मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड शी वॉज कर्ली हेयर, मैडी वॉज हर क्लोज फ्रेंड. द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस वांडास एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और इन लोग इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें वांडा उनको लेट करवाई थी. द रीजन पेगी एंड मैडी क्यों हुआ नोटिस किस लिए कर पाए, कि इन लोग वांडा को इंतजार करते हुए इन लोग लेट हो गए थे, इसलिए इन लोग नोटिस कर पाए कि वांडा नहीं आई है. वांडा एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, दे हैड वेटेड एंड वेटेड, उन्हें इंतजार करवाई, वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर, किस लिए, उसके साथ कुछ मजाक हो जाए, कुछ फन करने के लिए इन लोग इंतजार कर. जट हैडंट कम, लेकिन वो आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैटर्न्स के टू हैव फन विथ हर, हमेशा उन लोग इंतजार करते थे कि उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए. कई बार हम लोग किसी बच्चे अलग प्रकार के रहते हैं तो हम मजाक करने बैठते हैं, हम लोग उसे क्या करते, चिढ़ाते हैं, टीजिंग करते हैं, ये सारे स्वभाव हमारे अंदर रहता है, पर ये सब अच्छी बात नहीं है. वांडा पैटर्न्स की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 did not have names like that, और वांडा पैटर्न्स की उसका नाम इस तरह है, और रूम नंबर 13 में ऐसा नाम किसी का नहीं है. दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. देर वॉज वन बॉय नेम बाउंस, बिली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट
नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैटर्न्स की वाज. और रूम नंबर 13 जितने बच्चे थे उनका नाम बांडा पैटर्न्स की, इस तरह नाम नहीं है, अजीब सा नाम नहीं है. इनका नाम किस तरह, स्मिथ है, एलन है, थॉमस है, लेकिन एक लड़का का नाम था बाउंस या वेली बाउंस, बाउंस. तो ये थोड़ा सा फनी है, पर उतना फनी नहीं है जितना कि पैटर्न्स का नाम है. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और वांडा के साथ कोई दोस्त नहीं थे. शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन. शी इज टू कम एलोन. शी वाज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड्स, सो शी वाज कमिंग एलोन ओनली. वो अकेला आती थी, अकेला जाती. शी ऑलवेज वॉर ए फेडेड ब्लू ड्रेस. फेडेड मतलब जो कि ब्लू कलर का ड्रेस जो फेड हो गया है, ऐसे ड्रेस को पहनती थी वो. दैट डिड नॉट हैंग राइट, जैसा कि वो बराबर सिकड़ो हुआ था, हैंग नहीं था, माने बराबर नहीं था, हैंग नहीं होता था, अर्थात हम जब प्रेस नहीं करते तो सिकड़ो जैसा सिकड़े रहता है, तो इसलिए बराबर वो राइट हैंग नहीं हुआ था. इट वॉज क्लीन, लेकिन वो साफ होता था ड्रेस जो उसके बांडा का साफ रहता था. बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली, और ये दिखता था कभी वो आयरन नहीं था, आयरन नहीं किया गया था, कपड़ा प्रेस कभी नहीं हुआ था, इसलिए वो बराबर हैंग नहीं रहता था. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. हालांकि उसके साथ कोई दोस्त नहीं थे, कोई उसके ऐसा दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारे गर्ल्स उसके बारे में बातें करते थे, उसको उसके साथ बातें करते थे. समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, और कई बार स्कूल का आंगन में उसको पूरा घेर लेते थे. एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वन हार्ड ग्राउंड. हॉपस्कॉच एक खेल होता है, आप लोगों से बहुत लोग खेले होंगे, जो इस तरह का रहता है जहाँ नंबर लिखा जाता है और उसको कूदते हैं और उस पर जाकर खेलते हैं. इस तरह का एक करके खेल है जो कई बार वो आके देखती थी उसे स्कूल यार्ड पे, वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले ऑन द वन हार्ड ग्राउंड. वांडा पेगी वुड से इन मोस्ट कॉटियस मैनर एज दो सी वेयर टॉकिंग टू मिस मैसन. मैसन मिस मैसन जो उसके टीचर हैं. वांडा पेगी वुड से इन मोस्ट कॉटियस मैनर एज दो सी वेयर टॉकिंग टू मिस मैसन. वांडा सी वुड से Giving one of her friends a nod. Tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? वो कहते हैं टीचर को बहुत ही शालीनता के साथ, जेंटल वे में, थोड़ा सा धक्का देते हुए, अरे बता ना तेरे पास कितना ड्रेस है. इस तरह का होता है ना कई बार टीचर के सामने, टॉकिंग टू मिस मैसन मतलब उसके टीचर को बातें करते हैं, अरे बता ना तेरे पास कितना ड्रेस है. इस तरह को बातें कर रहे हैं. तो हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से, कितना ड्रेस बोल रही थी. यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, आपके क्लोजेट, क्लोजेट जो अलमीरा की तरह होता है, जो घर पे रहता है, जो कपड़े रखा जाता है, उस पर रखी हो, कह रही थी वो टीचर के सामने. सर कह रही यहाँ पे इन लोग बातें कर रहे हैं, ये दिस इज वांडा उसे पूछ रहे हैं. ए हंड्रेड वांडा वुड से, और वांडा कहती है कि 100 ड्रेस है. ए हंड्रेड एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सारे जो लिटिल गर्ल्स हैं खेल रहे थे उन लोग भी देखने लगे. इनक्रेडुलसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो छोटे बच्चे जो खेल रहे थे हॉपस्कॉच वो बंद कर, खेलना बंद करके देखने लगे, सुनने लगे. या ए हंड्रेड ऑल लाइनिंग अप, हाँ 100 ड्रेसेस है, सारे लाइन से रखा गया है, सेड वांडा. Then her thin lip drew together in silence, और उसकी जो पतला सा लिप है वो पूरा शांत हो गया, शांत करके वो अंदर ले ली. What are they like? All's like, किस तरह दिखती हैं वो, सारे कैसा दिखता है. All silk, सारे सिल्क हैं रेशम के. I bet, said Peggy. मैं शर्त लगाती हूँ, Peggy बोली, मैं शर्त लगाती हूँ. Yeah, all silk. ऑल कलर्स, हाँ सारे सिल्क का है, कलर सारे कलर है, वेलवेट टू, और मखमल का भी है, वेलवेट मतलब मखमल. या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोडिडली.
ऑल इन लाइन अप शॉर्टेज मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मैंने थोड़ा सा वो दोबारा रिपीट करके बोली कुछ फीलिंग नहीं दिखाए, मैंने जिस तरह होता है ना एक भावुक होकर के आया थोड़ा सा अपना फीलिंग दिखाते लेकिन वो पूरा शांत होकर बोले हाँ है ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट और सारे लाइन से रखा गया है मेरे क्लोजेट में। देन दे वुड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इन टू श्रिक्स एंड पील द लफ्टर, और जैसे वो उसे जाने दे दिया गया और दूर गई भी नहीं थी और तुरंत इन लोग जैसे कि पूरा हंस पड़े या हंसने लगे उन उस बातों को लेकर के। 100 ड्रेसेस और उन लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हेड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, और आपस में बातें कर मजा कर रहे हंस रहे थे और कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इन टू श्रिक एंड पील्स जो आवाज़ से शोर मचाते उन लोग जैसे ही वो नहीं गई उन लोग पूरा जाने भी नहीं दिए उसे लेकिन पूरा हंस पड़े और इस बातें को लेकर वो चर्चा करने लगे। सो ड्रेस, लेकिन मैं हम तो देखते हैं कि हर दिन कौन सा ड्रेस पहनती है, ब्लू वन जो कि फेडेड वन, जो ब्लू ड्रेस है फेडेड वाला हमेशा पहन के आती है और कैसा 100 ड्रेस बोलती है, इस तरह की इन लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, लेकिन पर क्यों 100 ड्रेस है कहती है, व्हाट ए स्टोरी, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, और बोलते हैं कि आप कितना शूज है आपके पास, 60 पेयर्स, कितने 60 पेयर्स, 60 जोड़ी जूता है, ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, और पूरा लाइन्स रखा गया मेरे क्लोजेट में। क्राइस ऑफ एग्जाग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और बड़े शांत स्वभाव से उसे बढ़ा कर बोलने के कि सब एक जैसा है, माने एक तरह का है। ओ नो एवरी पैर इज डिफरेंट, लोग बोले कि क्या सब एक तरह का, नहीं नहीं अलग अलग है, पूरा जोड़ी जो है अलग अलग प्रकार का है, ऑल कलर्स और पूरे कलर का है और सारे लाइन अप पूरा लाइन से रखा गया। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैरी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, पेगी एंड मैरी ऐसे दोस्ती है इनके अंदर, ये कभी सेपरेबल मैंने इनको कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, वेर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और हमेशा जाते समय हमेशा लास्ट में जाते थे। फाइनली बांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और लास्टली क्या हुआ, बांडा स्ट्रीट की ओर मोहल्ले की ओर जाने लगी। हर आइस पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैरी मैरी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, पेगी एंड मैरी ये आपस में इतना दोस्ती इनके अंदर, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इन लोगों को दोस्ती इतना है जो कोई इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इस चीज़ों को सभी जानते थे और वो समझती थी। वेर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और हमेशा अंत में इन्हीं लोग जाना होता होना होता जाते थे। टू लीव द क्लास, फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में वांडा क्या है स्ट्रीट की ओर चली गई। हर आई डल एंड हर माउथ क्लोज, उसका आँख झुका हुआ है और मुंह बंद है। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, उसका लेफ्ट शोल्डर हिचिंग दबा हुआ। एवरी नाउ एंड व्हेन इन द फनी वाज शीज हैड, और सब कुछ मिला करके किस तरह फनी है ओ, इस तरह के इन लोग यहाँ पे मजाक बना रहे। फिनिशिंग द वर्क टू स्कूल अलोन, और हर चीज क्या है अकेला ही फिनिश करके जा रही है। पेगी वाज नॉट रियली क्रूयल, पेगी इस तरह क्रूयल नहीं हो सकती है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, क्यों ना पेगी इस तरह क्रूयल स्वभाव तो उसका होना नहीं चाहिए, ये मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चों को बुलीज मीन्स दोज़ हू यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, माने कमजोर बच्चे को हम लोग डांटते हैं फटकार लगाते हैं ना, उस तरह डांट फटकार लगाया जाता है उसको बुलीज कहा जाता है। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल
मिसट्रीटेड। और पेगी का स्वभाव ये था, छोटे बच्चे को इस तरह डांट फटकार से बचाते थे, कोई अगर डांट देते कुछ करते तो उसे वो बचाती थी, उसे प्रोटेक्ट करती थी। और दूसरा जो स्वभाव है उसका, अगर जानवर के साथ कोई अगर गलत व्यवहार करते हैं तो वो रोती थी कई समय तक, इसलिए वो इस तरह क्रूयल नहीं हो सकती। एंड सी क्राइड फॉर आवर इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट दिस क्रूयल वे टू ट्रीट वांडा, अगर कोई कहे कि इस तरह का वांडा के साथ जो मजाक कर रहे हैं, जो फन कर रहे हैं, ये एक बिहेवियर जो क्रूयल बिहेवियर क्या नहीं है जो आप उनके साथ ऐसे करते हैं। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, और ऐसे अगर कोई कह देगा उसे तो बहुत ही चकित हो जाएगी वो, क्रूयल, अरे मैं क्रूयल हूँ, वो सोचने लगेगी क्रूयल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेस, और बोलेगी कि क्यों फिर वो वांडा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज ए लाई, और कोई भी कह सकता है कि वो झूठ है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, और क्यों वो झूठ बोलना चाहती है, क्यों झूठ बोलिए। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, अगर साधारण नहीं भी है एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, अगर साधारण व्यक्ति ना भी हो लेकिन पर ऐसे नाम क्यों है उसका। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और कोई बात नहीं है, उसे हम नहीं रुलाएंगे, हम लोग रुलाए नहीं हैं, कुछ भी हो हम लोग रुलाए नहीं हैं। एज फॉर मैरी, दिस बिजनेस वॉज आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, और मैरी के लिए हर दिन जो वांडा पूछते हैं कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं इस संदर्भ में, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बदरिंग हर, और मैरी के लिए क्या है ना, जितना हर दिन उसको पूछा जाता, पेगी पूछती थी जो भी चीज़ें, कितना ड्रेसेस है, कितना हैट्स है, ये सारी चीज़ें उसको चिंतित कर देता था। मैरी वॉज पुअर हेयरसेल, क्योंकि क्यों वो चिंतित रहती थी, क्यों मैरी भी एक पुअर गर्ल थी, मैरी पुअर गर्ल थी। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ मतलब दूसरे का दिया हुआ, हियर गिवन मीनिंग हैंड मी डाउन मतलब किसी दूसरे, हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे से मिला हुआ कपड़ा जो सेकेंड हैंड हम कहते हैं। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स और हैव ए फनी नेम, ईश्वर का धन्यवाद हो कि बोगिन हाइट्स में रहती नहीं है, ना तो ऐसा फनी नेम उसका है। समटाइम व्हेन पेगी वाज आस्किंग, किसका फनी नेम, मैडी का, मैडी भी पुअर गर्ल है, वो दूसरे के दिए हुए कपड़े सेकेंड हैंड ड्रेस पहनती है, और उसका घर अच्छा हुआ कि वहाँ बोगिन हाइट में नहीं है, ना तो ऐसा कोई फनी नेम है, नहीं तो मुझे भी लोग इस तरह का मजाक करते हैं, ये सोच रही है मैडी। समटाइम व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दोस क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, और कई बार पेगी जब वांडा को पूछती है माने पोलाइट वॉइस में ही कि मॉकिंग मजाक करती है, मैडी फेल्ट एम्बरास एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, और क्या करती थी वो जो हाथ से मार्बल खेलते हैं इस तरह वो खेलती थी, कई बार वो जो मजाक करती थी वांडा के साथ में, तब मैरी को दुख महसूस, लज्जा महसूस होता था और शर्मिंदगी महसूस होता था। एम्बारेस मतलब असम्ड, मतलब लज्जा महसूस करना, शर्मिंदा महसूस करना, वो महसूस करती थी, पेगी ही उसे मजाक करती थी। रोलिंग देम अराउंड द एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ नॉट देयर शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, वो क्या करती थी उसमें ध्यान नहीं देती थी और अपना जो मार्बल है उसे प्ले करती खेलती थी, और ये नहीं कि वांडा के लिए दुखी है इसलिए नहीं है, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वाइटेड द ड्रेसेस गेम, और वास्तव में मैडी कभी भी इस तरह का ध्यान नहीं देती जबकि पेगी अगर ड्रेस का बात है, ड्रेस का जो मजाक करना ये सब नहीं लाती, हो सके मैडी इस तरह पेगी के बारे में, मैडी वांडा के बारे में कुछ सोचती भी नहीं। बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन और हर नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैडी साथ भी ऐसा हो, दूसरे कोई भी उसके साथ अगर ऐसी कर दे तब क्या होगा। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, हालांकि उतना वांडा की तरह गरीबी नहीं थी, पर बट शी वॉज पुअर, फिर भी वो गरीबी थी,
गरीब घर की लड़की थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. और मुझे भी ए सेंस है कि कहने के लिए सेंस कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है कहना होता. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. और मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी लोग ऐसी मजाक करें. शी विश्ड अगर मैं कहीं भी होती तो मेरे ऊपर कोई मजाक ऐसे करते 100 ड्रेस अगर कहीं भी होती तब मेरे ऊपर कोई ऐसा शुरू कर देता मजाक तो मुझे अच्छा नहीं लगता. शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैटर्न्स की. और मैं चाहती हूँ कौन मेडी मेडी चाहती है मेरी विश करती है कि काश वो पेगी जो है जो टीजिंग जो तंग करती परेशान करती है किसे वांडा को ये बंद कर देती. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल. हालांकि आज बुधवार ट्यूसडे आफ्टर वेडनेसडे के दिन दोनों के दोनों लेट आए तब मेडी वाज ग्लैड. और मेडी बहुत खुश थी क्यों ना अगर पहले आते थे तो फन मजाक करते थे हंसते थे और कुछ फन करके इन लोग वांडा को चिढ़ाते थे. लेकिन आज अच्छा हुआ कि इन लोग लेट आए हैं और मेडी उससे खुश थी. फन टू वांडा अब वांडा शी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स ऑप्शन माइंडली. और क्या करती थी वो ऑप्शन माइंडली वो कुछ अर्थमेटिक का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे थे. एट टाइम्स एट ऐसा कुछ था उसे लेकर को सॉल्व करते. लेट्स सी शी विश शी हैड द नर्व टू राइट पेगी. और उसके पास कोई साहस नहीं था कि बोल पाए इसलिए सोच रही थी कि शायद मैं कुछ ऐसा लिख दूँ एक नोट लिख दूँ उसे कि वांडा को इस तरह तंग ना किया जाए. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू हैव पेगी. क्यों ना चाह रही थी शायद मैं एक लिख दूँ कुछ नोट लिख कर दे दूँ क्यों मुझे बोलना तो मुश्किल होगा पेगी के सामने बोलना मेडी के लिए बहुत कठिन था इसलिए वो चाह रही थी कि शायद मैं लिख कर बता दूँ. टू से है पेगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. और हम लोग ऐसे कहना बंद कर दें उसके पास कितना ड्रेस है ये सब कहना हम बंद कर देते हैं. कहने का साहस तो नहीं था कम से कम लिख के देने के लिए वो सोच रही थी. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट नोट टू पेगी. और जब वो अपना अर्थमेटिक का सॉल्व करना खत्म कर दी तब वो नोट लिखने के लिए चाहिए नोट लिखना के लिए लिख पर उसी समय सडनली पस अन सबर्ट सबडर वहाँ पर भड़बड़ा गए. सबडर मतलब भड़बड़ाना कुछ आवाज़ होना. और तुरंत उन लोग एक देखे बाहर एक वो पिक्चर एक देखा गया वो लिख रही थी उस समय तुरंत रुक गए और तुरंत एक आवाज़ मैंने सडर सी पिक्चर हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड. और उसने देखी एक पिक्चर एक दृश्य देख रही है उधर कि स्कूल यार्ड में आंगन में ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स. और एक नया पेगी और गर्ल्स क्या कर रहे पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. जब वो लिख रही थी तुरंत उसके मन में दिमाग में एक चीज आ गया अगर मैं इसे कह दूँ तो हो सके पेगी कहेगी कि जो ड्रेस वो पहनी है मेडी जो पहनी है वो किसका ड्रेस है. आप समझिएगा कि पेगी मेडी जो ड्रेस पहनी है पेगी का ड्रेस है क्यों ना वो भी गरीब लड़की है इसलिए वो भी उस ड्रेस पहनी हो सकता है. और लिख के अगर मैं दे दूँ तुरंत उसको अचानक तुरंत रुक गई और तुम सडड से पिक्चर और हर साल मैंने अपने आप में एक दृश्य लाई कि अगर मैं इसे कह दूँ तो हो सकता है स्कूल यार्ड में सब लोग जमा हो जाएंगे मेरे पर टारगेट कर पेगी और सभी गर्ल्स इकट्ठा हो जाएंगे और उन लोग शायद मुझे पूछेंगे और पेगी कहेगी तो जो ड्रेस पहनी हो किसका ड्रेस है. एंड मेडी वुड हैव टू से इट वाज वन पेगीज. और मेडी को कहना पड़ेगा ये पेगी का ड्रेस है. ऑन ऑल ओल्ड वंस दैट मेडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज विद. और मेडी इस तरह सोच रही है दोबारा मैं बता रहा हूँ मेडी नहीं चाहती है कि पेगी पांडा को तंग करे ये कहना चाहती है लेकिन कहने का साहस नहीं हो रहा है. हो सकता है लिख के दूंगे सोचती है अपना अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लिख के देने के लिए कोशिश करती है लेकिन लिखते समय अचानक उसके दिमाग में चित्र आ जाता है एक माने पिक्चर आ जाता है कि अरे मैं अगर लिख के दे दूंगा अचानक तो पेगी चली जाएगी आंगन में और सभी को इकट्ठा करेगी कहेगी वो जो ड्रेस पहने क्या किसका है फिर मेरे कहना पड़ेगा आपका है
जिसके कोई उसके मम्मी ने क्या करके दिए हैं उसको उसको छिपाने के लिए, डिसगाइज मतलब उसको छिपाने के लिए ट्रिमिंग कुछ कलरफुल बना दी है, कुछ चमकीला बना करके, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज, और उसको कुछ ऐसी सजावट कर दी, उसको कुछ चेंजेस कर दिए हैं उस ड्रेस को, ताकि रूम नंबर 13 में कोई उसको पहचान ना पाए। मैडी जो ड्रेस पहनी है और पेगी का ड्रेस है, इसलिए वो डर के कारण पेगी को एक कुछ कह नहीं पा रही है कि पेगी वांडा को तंग मत करिए। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन एकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, यदि यह बहुत अच्छा होता, केवल पेगी अपने आप को फैसला करती कि वांडा को तंग या फन ना किया जाए तो बहुत अच्छा होता। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर एंड दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और तुरंत ये सारे चीज उसके दिमाग में दौड़ रहा था, जो विचार हो चल रहा था, ये सारी चीज़ अपन मन में चल रहा था, इसको तुरंत क्या किया उससे निकलने के लिए अनकंफर्टेबल, उसको अनकंफर्टेबल कर दिया चीज़ें, क्यों अगर मैं ऐसे बोल दूंगी उसको रोक नहीं पा रही है, सारी चीज़ दिमाग में चल रहा है, तो तुरंत उससे बाहर आई। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, और ये क्या अलग कर सकता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड, और जो नोट्स में लिख रही थी छोटा पेपर पीस में उसे वो फाड़ दी और फाड़ना शुरू कर दी। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैडी उस पेगी का बहुत अच्छी दोस्त थी, एंड पेगी वॉज सी द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और उस कमरे में पेगी सबसे अच्छी लड़की थी और सब लोग उसे पसंद करते थे। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और पेगी ऐसा कुछ भी हो सके इस तरह गलत नहीं करेगी, वो ऐसा इस तरह वो सोचने लगी, कौन मैडी। एज पर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन, एज पर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन हाइट्स, और वांडा को लिए अगर वांडा के बारे में सोचा जाए तो ऐसा बस एकमात्र ऐसा लड़की है जो ऊपर बोगिन हाइट्स में रहती है, एंड स्टूड एलोन इन द स्कूल यार्ड, और हमेशा क्या है स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और कभी भी ऐसा कभी भी ऐसा कहने का सुनी नहीं उसे कुछ भी किसी साथ, शायद ही कही किसी को कही वो कुछ। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, केवल उसका कहने का समय वही था, केवल कहने का शब्द वही था कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, बस यही मात्र है। मैडी रिमेम्बर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, और मैडी क्या है उसको याद करती है उसका एक ड्रेस कैसा था, पेल ब्लू विथ कलर्ड, मैडी रिमेम्बर करती है। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग मतलब सजावट, चमकीला जैसा सजा कर रखते सजाते सोरा सजावट किया जाता उस ट्रिमिंग, एंड शी रिमेम्बर एनदर दैट, पहला ड्रेस कौन था, पेल ब्लू था उसके किसके पास, वांडा के पास, विथ कलरफुल में ट्रिमिंग किया गया था, एंड सेकेंड ब्रिलियंट दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ ए रेड सास, यू वुड लुक लाइक क्रिसमस ट्री, अगर ये पहन लेगी तो किसके तरह दिखेगी, क्रिसमस ट्री की तरह लगेगी, क्रिसमस ट्री की तरह दिखेगी। दैट द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडिंग एडमायरेशन, और उन लोग क्या क्या है उसको प्रिटेंड बहाना माने झूठ झूठा मूठा उसको प्रशंसा करना, झूठ मूठ का एडमायर करना, इस तरह उन लोग कहे कि क्रिसमस ट्री की तरह लगेगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप इन द क्लोजेट, और उस जो कपड़े के बारे में बोली थी कि उसके सारे लाइन में रखा गया 100 ड्रेसेस, मैडी बिगन टू वांडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और इस बारे में चकित माने वांडर अद्भुत तरह सोच रही थी कि चकित हो रही थी कौन जीतेगा जो ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है स्कूल में, उसे कौन जीतने वाला है फॉर गर्ल्स, ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज, लड़कियों के लिए ड्राइंग एंड कलरिंग क्या है, कंसिस्ट डिजाइनिंग ड्रेसेस, ड्रेसेस का डिजाइन करना है,
एंड फॉर बॉयज डिजाइनिंग मोटर बोट्स। गर्ल्स के लिए क्या कंपटीशन है, ड्रेसेस को डिजाइन करेंगे, कलर करेंगे, बनाएंगे। एंड बॉयज मोटर बोट्स प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और शायद हो सके, मेरी सोच रही है, हो सके कौन जीतने वाली है, पेगी ही इस जीतेगी इस ड्राइंग कंपटीशन। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और पेगी बहुत अच्छा आर्ट करती थी, कोई भी उनके कमरे में और कोई ऐसा नहीं थे पेगी के सिवाय। एटलीस्ट दैट व्हाट एवरीबॉडी थॉट, ये सारे इस चीज़ को तो सोचते थे, इस चीज़ को मान के बैठे थे कि पेगी ही जीतेगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट फेल्ट हु इट वॉज। और वो सोचते थे शायद वो मैगजीन से कोई पिक्चर ले करके बना दें। ओ मेडी वाज आवर श्योर पेगी वुड विन। और कहते हैं मेडी, कहती है वो श्योर, ये तो पक्का निश्चित है कि कौन जीतने वाले हैं, पेगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो। और टुमारो थर्सडे को उन लोग क्या करने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले हैं और कौन जीतने वाले हैं। उम्मीद इन लोग लगा कर रखे हैं 13 रूम नंबर 13 से पेगी ही जीतेगी। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मतलब हल्का बूंदाबांदी होना, हल्का हल्का वर्षा होना, बारिश होना। मेडी एंड पेगी हरी टू स्कूल 100 अंडर पेगीस अम्ब्रेला। और मेडी एंड पेगी पेगीस अम्ब्रेला के साथ उन लोग बारिश में भी आ गए स्कूल में बहुत जल्दी से। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पैटर्न्स की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलाइव स्ट्रीट। और वास्तव में ऐसा दिन में जो कि अनाउंसमेंट होने वाला है, कुछ माने कुछ होता है स्कूल में, प्रोग्राम होता है, तो हम लोग भी किसी का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत भाग के चले आएंगे। उसी तरह इन लोग उस दिन क्या है, रास्ते कॉर्नर में उन लोग इंतजार जहाँ करते थे, ओलाइव स्ट्रीट, ओलाइव अलाइवर स्ट्रीट था वहाँ पे, कॉर्नर की जगह रास्ता ऐसा जाता है और इधर के स्ट्रीट है, ओलाइवर स्ट्रीट है, इस गली में कॉर्नर में वो पेगी रहे को इंतजार करना था, लेकिन वहाँ इंतजार नहीं किए। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक। और उनका गली जो है बहुत बहुत दूर तक वो है, बहुत दूरी में है अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो रेल रोड पटरी है उससे भी दूरी में है। अप द हिल और पूरा हिल में लेड टू बोगिन साइट्स। और है जो हिल की ओर जाता है ना, यही बोगिन हाइट्स में जाता है, उनके घर की ओर जाता है। एनी वे दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टूडे बिकॉज टूडे वॉज इम्पोर्टेंट। और ऐसा कुछ लेट होना नहीं चाहते थे उन लोग और इसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज दे आर गोइंग टू अनाउंस, टीचर इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ देयर कंपटीशन। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस, क्या आप सोच रहे हो कि मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टूडे। आज पेगी, पेगी बोलती है क्या मिस मैसन विल अनाउंस। मिस मैसन, हु इज मिस मैसन, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द टीचर, शी इज टीचर। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन। और जैसे हाँ हो सकता है हम लोग तुरंत उसी क्षण में हम लोग उन लोग प्रवेश कर गए इनसाइड, सेड मेडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। और बोल रही है जैसे अंदर गए, विन आप जीतेंगे, होप सो सेड पेगी इधरली। और पेगी भी कहती है हो सकता है शायद मैं जीतूंगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। जैसे ही अंदर क्लासरूम के कमरे के अंदर प्रवेश किए, तुरंत उन लोग शांत हो गए, गास्प मतलब गास्प हल्के से ये बोलना और कुछ आवाज ना निकालते, मैंने बुड़बुड़ा जैसे ऐसे गास्प होना। दे वेर ड्रॉइंग ऑल ओवर द रूम। और सब कुछ तुरंत उन लोग शांत हो गए और पूरा देखे, सभी कमरे में पूरा ड्रॉइंग से भरा हुआ है, ओवर द रूम, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट। और पूरे कमरे में पूरा लेज, लेज जो है किनारे विंडो सील जो स्टील का लगे रहता है खिड़की में, ये सारे डेजलिंग कलर्स और पूरा चमकीला चमकीला जैसे ड्रेसेस कलर्स पूरा दिख रहा है। शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और ये पूरा शीट में रैपिंग पेपर में पूरा पूरा चारों ओर लगाया गया है, पूरा चमकदार डिजाइन है, बहुत सारे ऐसे डिजाइन है, ब्रिलियंट लाविश डिजाइन, बहुत ही अच्छे सुंदर से वो सारे ड्रेसेस का जो बना कर रैपिंग पेपर में लगाया गया। देर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। और शायद वो
कितने ड्रेसेस होंगे, कितने कलर बनाए गए, कितना डिजाइन बनाए गए हैं ड्रेस का, 100 होगा शायद, 100 होगा ड्रेसेस, पेपर वाले ड्रेसेस ऑल लाइनर अप और सब लाइन से रखा गया। दिस मस्ट बी द ड्रॉइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और यही शायद किसके लिए है, कॉन्टेस्ट जो विजेता माने रखा गया कॉम्पिटिशन उसके लिए है। दे वेर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर एडमायरिंगली, और सब कोई रुक गए और सीटी बजाने लगे, आपस में बुड़बुड़ाने लगे, आपस में उसको एडमायर करने लगे, पूरा मन प्रशंसा करने लगे उसे, उस इतने अच्छे तस्वीर, इतने अच्छा ड्राइंग देख करके, 100 ड्रेसेस को देख करके। एज सून एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और जैसे ही क्लास सभी बच्चे आ गए, सभी इकट्ठा हो गए, तो मिस मैसन ने अनाउंस की विनर्स कौन है, कॉम्पिटिशन का विजेता कौन है। जैक बैगलेस हैड वॉन द फॉर द बॉयज, कौन जीता है बॉयज के लिए, बॉयज के लिए कौन जीता, मोटरबाइक के लिए वो बनाने के लिए दिया गया था, और उसमें से कौन है जीता है, जैक बैगलेस हैड वॉन फॉर द बॉयज। सी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम, और उसके डिजाइन जो आउटबोर्ड है मोटर जो बनाया गया है एग्जीबिशन के लिए कमरे में रखा गया है। 12 अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज, और 12 ऐसे स्केचेस जो बच्चित्र बना के बाहर रखा गया, लेकिन उनमें से कौन जीता है, जैक बैगलेस, वो बाहर एग्जीबिशन रखे हैं जो बाहर बच्चे देख रहे हैं। एंड नाउ हैज टू अनाउंस गर्ल्स, अभी लड़कियों का अनाउंसमेंट होना है। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल दो जस्ट वन और टू कैचेस वेर सबमिटेड बाय मोस्ट, और हर कोई अधिकतर ले एक दो कैसे से ड्राइंग सबमिट माने दिया सौंपे हैं, दिया गया है, सबमिट किए हैं। वन गर्ल ऑन रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन एक लड़की है जो रूम नंबर 13 से, उसके लिए आप लोग को गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन, बाकी सभी लड़के क्या है एक से दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो तक सबमिट किए, दो डिजाइन किए हैं, लेकिन एक लड़की है जो रूम नंबर 13 से, उसके लिए आप लोग को प्राउड फील करना चाहिए जो 100 डिजाइन की है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे डिजाइन अलग हैं और सारे बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, और जजेस के मन में जो लोग जज कर रहे हैं, जो लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं, उनके मन में ये है, ये उनमें से जितना 100 ड्रेसेस है, लेकिन एक भी ड्रेस काफ़ी है वो विजेता घोषित करने के लिए या जीतने के लिए, वही उस एक ही ड्रेस भी काफ़ी है, लेकिन उसका 100 ड्रेसेस यहाँ पर इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल से बनाया गया है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पैटर्न इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मैं बहुत खुश हूँ अनाउंस करते हुए वांडा पैटर्न इज द विनर, और इसका विनर कौन है, वांडा पैटर्न सिंह, इस मेडल का, इस विजेता का, इतना ड्रेसेस उसने बनाई है, इस इज द वांडा, इस तरह का ड्रेसेस पूरा बना करके वो पूरा लाइनअप में रखी थी। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, और दुर्भाग्यवश वांडा कुछ दिनों से एब्सेंट चल रही थी, and is not here to receive the applause that is due to her, और जो प्रशंसा उसे मिल रहा था, अपलस मतलब खुशी माने उसके बारे में प्रशंसा करना, प्रेज करना, वो स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ नहीं है। लेट अस होप सी विल बी बैक टुमोरो, उम्मीद करते हैं कल शायद वो आ जाएगी। नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक, फाइल अराउंड मतलब लाइन से सभी लोग क्लास की ओर जाएंगे क्वाइटली, शांत होकर के क्लास की ओर बढ़ेंगे, अरे एक्सक्विसिट ड्राइंग्स, और जो एग्जीक्यूशन लगाया गया, एग्जीबिशन लगाया गया, एग्जीक्यूट मतलब पूरा लाइन से होकर के सभी लोग देखें, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड एग्जीक्यूट मतलब जो कि बहुत सुंदर ड्राइंग जो लगाया गया उस लाइन से जाकर के देखेंगे। द चिल्ड्रेन बस्ट इन टू एप्लॉज, और बच्चे पूरा शोर मचाने लगे, शोर प्रशंसा करते हुए, एंड इवन द बॉयज वेयर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टाम्प ऑन द फ्लोर, और उन बच्चे लोग पूरा पाँव को भी थपथपाने लगे, उनके लिए एक मौका मिल गया इस तरह का ड्राइंग देखते हुए, एग्जीबिशन को देखते हुए प्रशंसा करने के, शोर कर रहे हैं और पांव से थपथपाने लगे, चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल,
हाथों को मुंह में रखते हुए विसिल बजाते हैं करके बजाने लगे. दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस एंड विसिल दो दे वेर नॉट इंटरेस्टेड. हालांकि ड्रेसेस पर उनका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ऐसा मजा ले रहे हैं, इनको अच्छा लगा कम से कम एग्जीबिशन चलता है तो मजा आता है. पाँव से थपथपा रहे हैं, विसिल हाथों का विसिल बजा रहे हैं एंड लुक पेग विश्वन मेडी. और मेडी क्या है ना, थोड़ा अपने मन ही मन विश्वन मतलब मन में आवाज़ निकालना, एक प्रकार का धीमी आवाज में मन ही मन जो चलते रहता है फुसफुसाना, इस तरह पेगी कहते देखो देर इज दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट. पेगी कहती मेडी कहती है देखो वहाँ पर ब्लू वाला है जो हमको बोली थी वांडा बोली थी ना ब्लू ड्रेस पहन माने है. इज नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या बहुत सुंदर नहीं है, क्या ये सुंदर नहीं है. यस सेड पेगी, पेगी बोली हाँ सही है. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, अरे ये तो ग्रीन वन जिसके बारे में जिक्र करती ग्रीन वन भी है. बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. और बॉय मतलब यहाँ पर एक प्रशंसा सब प्रशंसा मतलब एक ये सब बोलना, बॉय मतलब लड़का नहीं यहाँ पे, जैसे हम लोग एक बुलाते किसी को बॉय इस तरह बुलाया जाता नो इस तरह के शब्द इंग्लिश में उसका शब्द यूज किया गया. उसे बोलते देखो यहाँ पर कितना अच्छा, हम लोग क्या ऐसे ड्रॉइंग कर पाएंगे. आई थॉट आई कुड ड्रॉ, हाँ मैं शायद सोच सकती हूँ कि इस तरह मैं भी कर सकती हूँ इस क्या जिसके बारे में हम लोग सोचे थे ग्रीन वन के बारे में कि मैं भी कर सकती हूँ करके, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं. सो दिस इज अप टू फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट विल सी नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड एनी थिंग डाउट इज देयर जस्ट कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स. Thank you for watching. Until then, bye-bye.